रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में। हमसे हमारे परिवार की यह हालत देखी नहीं जा रही। बहुत ही दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं हमें ये लोग। ये क्या कर रही हो तुम? ध्यान से क्यों नहीं किया? गलती से हाथ से चाकू फिसल गया। दीदी को जल्दी खाना चाहिए था ना, तुम जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। तू जा अपने कमरे में आराम कर, बाकी का काम हम कर लेंगे। नहीं माँ, सृष्टि दी ने अगर हमारा काम आपको करते हुए देख लिया तो वो आपको सजा देंगी और हम कभी भी ऐसा नहीं होने दे सकते। रुक जाइए। कैसे रुक जाए धानी? छोटी बहन है वो हमारी, और इन लोगों ने नौकरानी बनाकर रख दिया उसे। समझ सकते हैं ध्रुव जी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? दीदी हमारे परिवार के साथ जो बर्ताव कर रही है वो गुनाह है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इसकी कीमत नहीं चुकाएंगी। बहुत मजे कर लिए इन तीनों ने, अब अगर इनको हमारे इशारे पर नहीं नचाया तो हमारा नाम भी धानी नहीं। चलिए रामलिंगम जी, ये कुछ हमारे नए प्रोजेक्ट्स है, प्लीज इसे देख लीजिए। मेरा हस्बैंड एम्प्टी स्टमक काम नहीं करती, पहले कुछ खाना खिलाओ। बिल्कुल क्यों नहीं। संस्कृति बुआ जी, जल्दी खाना बनाओ। भैया बिल्कुल निर्लज्ज जी, तुम खुद बैठा और बड़ों को और बच्चों को खाना बनाने को कहता। हमारे लिए हमारी फैमिली का वैल्यू मैटर करता, अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट देता, उन्हें काम करता नहीं देख सकता और ना ही उनसे खाना बनवा कर उनके हाथ का खाना खाए। अब खाना खाएगा तो तुम्हारे हाथ का खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। जी वो हम नहीं बनाएंगे, वो हमारा काम नहीं है, वो उनका काम है, वो बनाएंगे। ठीक है तो हम भी खाना नहीं खाएगा। अयो रामा, मेरा कन्नवन खाना नहीं खाएगा तो कोई भी काम नहीं होगी। कन्ना आई एम टेलिंग यू, लेट्स गो टू अच्छा रेस्टोरेंट, अच्छा खाना खाएगी, दूसरा बिजनेस प्रपोजल डिस्कस करेगी। चलो राइट रामलिंग जी प्लीज, मैं करता हूं कुछ। रॉकी सृष्टि को बोल की जिद ना करें, जाके खाना बना दे। सृष्टि मेहमानों को खाली पेट नहीं रखते, जाओ जाकर खाना बना दो। हमको बहुत भूख लगा, 30 मिनट्स खाना मांगता मिलेगा, आधे घंटे मिलेगा आपको।
सृष्टि आधे घंटे में मिल जाएगा ना? आप लोग बैठिए, जब तक सृष्टि खाना बना रही है हम कुछ काम की बात कर लेते हैं। बन जाएगा। आप प्लीज बैठिए ना। आप ये फाइल देखिए, अब तब तक आप मैं काम करती, घर देख कर आती। जी राजलक्ष्मी जी, आप यहाँ कुछ चाहिए आपको? यस, ठंडा नीर, बर्फ वाला पानी। दरअसल हम खाना बनाने में बिजी है ना, आप लीजिए ना फ्रिज से। अयो राम, कैसा निर्लज्जम लड़की, मेहमान को बोलती काम करने को, शेमलेस। मैं यहाँ नहीं रुकती, मैं बिजनेस नहीं करती, मैं डील नहीं करती, मैं जाती। नहीं नहीं नहीं, प्लीज रुकिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज। आपको बर्फ वाला पानी चाहिए ना? हम देती, मतलब हम देते आपको, रुकिए प्लीज। हम 25 करोड़ इन्वेस्ट करेगा इसमें। क्या बात है सर, क्या बात। थैंक यू। आप क्यों हंस रहे हैं? लगता है ये घर बिकता देखकर और हमारी तरक्की देखकर दिमाग खराब हो गया। बवरा गए। जो अपने अप्पा के रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो पार्टनर के रिस्पेक्ट क्या करेगा? हम यहां पर बिजनेस नहीं करेगा। डील कैंसिल, गेट आउट, अभी के अभी हमारे घर से बाहर निकल जाओ। ओके, नहीं। समझते क्या अपने आपको? आप कैसे रहा है तूने? जी रास्ते से भटके हुए को रास्ते पे लाने के लिए हाथ उठाने पड़ते जी। रामलिंगम जी, इसकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। सॉरी। गुस्से पे काबू रख, करोड़ों कमाने ना तो इन जैसों के नखरे उठाने पड़ेंगे। तू आ एक मिनट। अच्छा आपने किरदार नहीं छोड़ा, वरना पक्का पकड़े जाते हैं। थैंक यू दान। ये लोग साउथ वाले लोग अपनी परंपराओं के बहुत ज्यादा प्रेमी रहते हैं, कल्चर वाले रहते हैं यार। तो अगर माँ और बाबा की उस दिन तक नकली इज्जत की एक्टिंग करनी पड़े ना तो कर लेना यार, कुछ दिन की बात है बस। पापा, उसकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। सॉरी।
अयो रामकृष्ण शिव तांडवा, अपने अप्पा को ये पागल बोलती सॉरी भी यही बोलेगी? अयो अप्पा से सॉरी बोलना भी नहीं आता? पांव छुओ के पांव छुओ सॉरी मांगो। हमें माफ कर दीजिए। क्रिस्टी खाना रेडी है ना, आइए। हमने बचपन में ही अपने अम्मा और अप्पा को खो दिया था, कभी देखा तक नहीं। लेकिन आज आपको देखकर लगता है कि हमारे अम्मा और अप्पा बिल्कुल आपके जैसे होंगे, तो इसलिए हम सोच रहे कि आज का लंच हम पूरी फैमिली के साथ करेंगे। चलिए आइए। रामलिंगम जी, पर खाना स्पेशली आप दोनों के लिए बनवाया गया था। हम लंच अगर अम्मा और अप्पा के साथ या पूरी फैमिली के साथ करें तो और भी अच्छा हो जाएगा, और भी खास होगा हमारे लिए। ठीक आइए, प्लीज प्लीज कम। चलो प्लीज। रॉकी, बस कुछ दिनों की बात है यार, एक बार पैसा अपने हाथ में आ गया ना, फिर इन सबको हम अपनी उंगलियों में न जाएंगे, जो मन होगा वो करवाएंगे। कुछ दिन का सब्र और बस। चल यार आजा। आइयो इधर अप्पा बैठते जी, तुम उधर बैठो। अप्पा बेटा, हम तुम दोनों को ज्यादा तो नहीं जानते, पर तुम्हें देखकर ये कह सकते हैं कि तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी परवरिश मिली है तुम्हें। जिस तरह तुम बड़ों की इज्जत करती हो, मान रखती हो, हमें तुम्हारे माँ बाप। थैंक यू, प्लीज सिट। Thank you.
प्लीज लीजिए। रुको, अब भी कोई काना नहीं खाएगी। खन्ना, यू रिमेंबर दैट नेबर का स्टोरी? वो भी ऐसे ही इन्वेस्ट करने गई थी, उनके घर जाके काना खाई, बेहोश हो गई, उसके बाद सारा पैसा लूट गई। रिमेंबर? आई रिमेंबर मिस्टर मुरली स्टोरी। तो पहला बाइट सृष्टि खाएगी। हम? करेक्ट, पहला बाइट सृष्टि ही खाएगी। वो हमारा मन नहीं है, हम खाना बनाते बनाते थक गए हैं ना, आप खा लीजिए ना प्लीज। ओ, हमारा पार्टनर्स खाएगी, पार्टनर्स को बोलो। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, खाते रॉकी। ठीक है, हम खा लेते हैं। देखिए बहुत बढ़िया बना है, प्लीज खाइए। ये गए आखिरी कॉल, परफेक्ट, खाइए आप लोग भी खाइए। हम ठीक है, अब आप खा सकते हैं। रामलिंगम जी, हम बस आए, दो मिनट में आए। यो सृष्टि, खान में क्या मिला? कुछ नहीं। अयो रामा, मेरा हस्बैंड तुमसे खाना बनवाई तो उसके खाने में पॉइजन मिला दी। जहर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच गई। एक मिनट। हाँ, सॉरी रामलिंगम जी, खाना मत खाइएगा आप लोग, खाना खराब है। बच गई, कुछ नहीं मिला है हमने। बहुत गलत बात है, तुम्हें खाने पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए था। क्योंकि हमारा विश्वास करो, हमने कुछ नहीं मिलाया है। अच्छा, तो फिर हमारी तबीयत कैसे खराब हो गई? तुम्हें हम इतने बेवकूफ लगते हैं कि हम ऐसी गलती करेंगे? हम कह रहे हैं ना, हमने कुछ नहीं किया। हमें लगता है ये संस्कृति और बुआ जी, इन्होंने कुछ किया होगा, वो किचन में थे। उन्होंने कुछ। सृष्टि, अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों पर लगाना बंद करो। अगर इन्हें मिलाना होता तो ये जहर मिलाते, पेट खराब करने की दवाई नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं बस 5 मिनट। आप लोग थोड़ी देर रुकिए, हम दोनों खाना बना कर ले आते हैं। उसका नो नीड, वेट। काला ओनली इन दाल, बाकी सब सेफ है। नहीं, पर
हम ये खाना नहीं खा सकते, हम वैसे ही प्रेग्नेंट है, अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो। नहीं प्लीज, कुछ नहीं होगा भाभी, खा लीजिए। भाभी काना काल हो, बस हुआ, इतना ही प्यार करते अपने बेटे से कि पहचान भी नहीं पाए उसे। ध्रुव, ध्रुव भाभी, ध्रुव भैया धानी आप लोग वापस आ गए। भैया आपकी तबीयत कैसी है? हम ठीक है, हम लोग वापस आ गए बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। बेटा दुखों के दिन खत्म हुए, फिर से वही कहूंगा, हुई है वही जो राम रची राखा। हम सबको थोड़ा धीरे बात करना चाहिए, अगर उन तीनों को जरा सा भी अंदाजा हो जाएगा कि हम दोनों वापस आ गए हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हमें किसी भी हालत में जो कुछ भी हमने खोया है उसे वापस पाना है। वैसे फूट तो हमने डाल दी है, अब बस उन्हें अंदर से अलग करके उन पर राज करना है। डिवाइड एंड रूल। हम वापस आ गए हैं दीदी, अब हमारे परिवार का वक्त बदलेगा और आपके साथ वो होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं।